हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं मोमोज की तीखी चटनी। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 100 ग्राम लहसुन, 100 ग्राम लाल 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 मिर्च और 250 ग्राम टमाटर, और इसके साथ मैंने लिए 10 ग्राम अदरक। सबसे पहले मैं 1.5 लीटर पानी को पतीले में डाल दूँगा। इस पानी को मैंने पहले ही थोड़ा सा गर्म कर लिया था कैटल में, तो इसको मुझे वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके गर्म होने के बाद इसमें मैं डाल दूंगा 250 ग्राम टमाटर, 100 ग्राम लाल मिर्च, 10 ग्राम अदरक और 100 ग्राम लहसुन, और इन सब को मैं उबलने के लिए छोड़ दूंगा। तो गाइस, इसको पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इसको इस स्टेज पे आकर गैस को बंद कर दूंगा और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगा। सो गाइस, इसको मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको मिक्सी के जार में डालकर पीस लूँगा। इसको मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। इसमें मैं ऐड करूँगा 2 चम्मच सफ़ेद नमक और इसको पीस लूँगा। तो गाइस, हमने चटनी को अच्छी तरह से पीस लिया है। ध्यान दीजिएगा, इस चटनी को काफ़ी देर तक पीसना पड़ता है ताकि ये अच्छी तरह से पीस जाए। अब आप देख सकते हैं, चटनी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। इसको आप मोमोज के साथ, स्प्रिंग रोल्स के साथ, किसी भी फास्ट फूड के साथ खा सकते हैं। आने वाले वीडियोज में मैं बहुत जल्दी मोमोज की, स्प्रिंग रोल की रेसिपी दिखाऊंगा। तो इसके लिए जल्दी जल्दी जाकर मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।